हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको 10 मिनट में इडली सांभर बनाने का बिल्कुल सीक्रेट और आसान तरीका बताने वाली हूँ। बहुत ही स्पॉन्जी इडली बनेगा, इतना टेस्टी, इतना सॉफ्ट कि आप बार बार इस तरीके से इडली बनाइएगा, सांभर बनाइएगा। तो देखिए, हम सांभर के लिए सारा सब्जियों काट लिया। इसमें है कद्दू यानी कि कुमड़ा, बैगन और जो भी सब्जी आपके घर पे हो ले सकते हैं। इसमें सयन भी डाल सकते हैं आप। दो हरा मिर्च ली हूँ। तो सब्जियां आप कोई भी लें, लेकिन बारीक काट लें। और देखिए, हम सब्जियों को अच्छा से काट के धो लिए हैं। यहाँ पे मैं सब्जियों का वजन कम से कम 1 केजी है, आप अपने आवश्यकता अनुसार ले सकते हैं। तो देखिए, हम 1 केजी सब्जियों के लिए यहाँ पे तूर दाल यानी कि अरहर का दाल लिए हैं 250 ग्राम। 250 ग्राम अरहर का दाल हम लेके अच्छे से धो लेंगे पानी से। उसके बाद हम एक तरफ चढ़ाएंगे सांभर और एक तरफ बनाएंगे इडली। तो आइए दोस्तों, फटाफट, आज बहुत ही डिलीशियस होने वाली है ये इडली सांभर की रेसिपी और बहुत ही झटपट बनने वाली है। तूर दाल को हम डाल लिए हैं कुकर में और सारा सब्जियों को भी डाल लिए हैं। सब्जियां डालने के बाद में हमें दोस्तों यहाँ पे पानी डालना है, कम से कम 2 से 2.5 लीटर पानी डालना है 1 केजी सब्जी में और 250 ग्राम दाल में, यानी कि दाल में 4 गुना पानी होना चाहिए। दाल के अकॉर्डिंग, जैसे कि हम दाल बनाते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग हम इसमें थोड़ा ज्यादा ही पानी रखेंगे। 2 बड़ा चम्मच सांभर मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच तीखा वाला लाल मिर्च पाउडर और यहीं पे हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। मैं यहाँ पे 1.5 चम्मच नमक डाल रही हूँ, आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम इतने मसाला में ही बहुत ही स्वादिष्ट सांभर बनाने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे वो कैसे। थोड़ा सा मैं हल्दी और डाली हूँ क्योंकि थोड़ा ज्यादा पीला रहेगा तो अच्छा लगेगा देखने में सांभर। तो आप 1.5 चम्मच हल्दी डाल सकते हैं। तो देखिए, हम कुकर को बंद कर लिए हैं, उसके बाद में हम चढ़ा दिए हैं गैस पे। सांभर में से हम कम से कम 5 व्हिसल आने देंगे। और इधर देखिए, हम बैटर रेडी किए हैं। डोसा बैटर भी मैं आपको बताई हूँ, इडली बैटर भी बताई हूँ। तो देखिए, इडली बैटर के लिए इस तरीके से घोल हमारा, जो बैटर हमारा होना चाहिए। इसमें हम देखिए चावल डाले हैं 500 ग्राम, 500 ग्राम कच्चा चावल, 500 ग्राम पक्का चावल, 500 ग्राम उड़द दाल। ये 1.5 केजी चावल का बैटर है। इसे पीस के हम दरदरा इसे खमीर कर लिए हैं 8 घंटा के लिए। खमीर होने के बाद 1 छोटा चम्मच नमक डाले हैं और उसके बाद हम इडली बना रहे हैं। तो देखिए, हम इडली स्टैंड में कोई सा भी ऑयल जो भी आप घर पे रखते हैं उसमें से थोड़ा सा लेके इस तरीके से सांचे में लगा दें और उसके बाद आप इडली बैटर को भरें। इडली बैटर ध्यान रखिएगा दोस्तों, हल्का दरदरा है। आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो आप हमारा इडली बैटर का वीडियो देख सकते हैं, रोजाना खाना इडली बैटर। आपका इडली बैटर सही तरीके से बनेगा ना तो इडली ऑटोमेटिक स्पॉन्जी बनेगा, बहुत ही फ्लॉफी बनेगा। आज तक आप ऐसा इडली बनाए नहीं होंगे तो मैं पूरा 100% गारंटी देती हूँ दोस्तों, इस तरीके से बनाइएगा तो इडली बहुत ही फूला, बहुत ही स्पॉन्जी, बिना इनो, बिना किसी भी बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर कुछ भी डालने की आपकी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको खमीर करना है। तो लीजिए दोस्तों, हमारा सारा ट्रे में इडली बैटर डल के तैयार हो गया है। ये साउथ का सबसे हेल्दी और झटपट बनने वाला नाश्ता है जो कि सुबह सुबह बनता है, आप सभी को पता ही है। तो लीजिए दोस्तों, हम जो इडली बनाने वाला सांचा है उसमें पानी डाल लिए है 2 लीटर और उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं पहला ट्रे। इसमें भी ट्रे सेट करने का अलग अलग होता है, एक छोटा एक बड़ा होता है, उसके बाद में सबसे बड़ा ऊपर होता है। तो देखिए, आजकल बहुत से मार्केट में डिजाइनदार इडली बर्तन आ गया है, आप चाहें तो कोई सा भी इडली बर्तन ले सकते हैं, परचेस कर सकते हैं और आप चाहें तो इसे बिना इडली स्टैंड का भी, बिना इडली बर्तन का भी बना सकते हैं, कटोरी में, ग्लास में। तो कैसे बनाएं कटोरी में, ग्लास में, अगर आप बोलिएगा तो मैं उसका भी वीडियो दूंगी। तो देखिए, हमारा कुकर में 4 व्हिसल लग गया है, अब हम सांभर को बंद कर देंगे। सांभर जब ठंडा हो जाएगा उसके बाद खोलेंगे हम कुकर। तो देखिए, हम आपको इडली चेक करवा देते हैं कि हमारा इडली कैसा बना है। 15 मिनट हो चुका है दोस्तों इडली को पकते हुए, इस तरीके से खोलेंगे। वाओ, इडली बहुत ही स्पॉन्जी बना है, देखिए ये चिपक के नहीं आ रहा है चाकू में,
चाकू से हम छेद कर रहे ना, तो बिल्कुल चिपक के नहीं आ रहा, यानी का यानी कि ये इसका निशानी है कि बहुत ही अच्छा इडली पक चुका है। तो इस तरीके से कपड़े का हेल्प से आप इडली ट्रे को निकाल दें बाहर और कम से कम 3 से 4 मिनट तक इसे खुले हवा में छोड़ दें, और उसके बाद आप इडली को निकालिएगा, बहुत ही बेहतरीन इडली आपका निकलेगा। और देखिए इधर मैं आपको सांभर भी ठंडा हो चुका है, ये देखिए हल्का सा इसमें गैस बचा है, मैं खोल के दिखा देती हूँ कि कितना परसेंट हमारा सांभर गला हुआ होना चाहिए। तो ये देखिए दोस्तों हमारा सांभर बहुत अच्छा गल चुका है, और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सब्जियां खड़ा है, तो अगर बिल्कुल आपको गला हुआ सांभर चाहिए तो इस तरीके से करछियों से आप घुमा दें, सारा सब्जियां टूट जाएगा इसके अंदर। तो अब हम इसे करते हैं साइड, और इसमें हम क्या क्या फ्लेवर डालने वाले हैं वो आपको बताती हूँ मैं। तो देखिए हमारा सांभर तो कंप्लीट है, अगर इसमें आपको थोड़ा पानी डालना हो तो गर्म करके डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए हम 50 ग्राम इमली को भिगो दिए थे और सारा पल्प इसी के अंदर डाल रहे हैं, सांभर के अंदर हम सारा पल्प डाल दिए हैं इमली का, और एक बार अच्छा से मिक्स कर देते हैं। ये लीजिए तड़का, देखिए हम एक डालेंगे सांभर में अपना 1 चम्मच सरसों, 8 से 7 डाले हैं हम, देखिए यहाँ पे लाल मिर्च तोड़ लिए हैं, कड़ी लीफ डालेंगे और 1 पिंच से थोड़ा सा ज्यादा हींग डालेंगे। तो आइए हम तड़का रेडी कर लेते हैं। ये सिंपल सा हेल्दी सांभर और इडली का जो रेसिपी है बहुत ही पसंद आता है हर किसी को, हर जगह पसंद किया जाता है, और इतना झटपट बनने वाला नाश्ता है ना कि इतना जल्दी कोई बन ही नहीं सकता। आप बैटर तैयार करके पहले से रखे हैं तो फटाफट बन जाता है। तेल जैसे ही हमारा गर्म हो जाता है हम तड़के को डाल लेते हैं, सभी तड़का को एक साथ डाल के अच्छा से चटका लेंगे। देखिए इस तरीके से हम तड़का को थोड़ा सा भून लेंगे अच्छे तरीके से कि एक अच्छा सा फ्लेवर आए हमारे सांभर के अंदर। तो ये सांभर बनाने का तरीका आपको कैसा लगा दोस्तों बताइएगा। आप रोजाना के नाश्ते में इसे बना सकते हैं, रोजाना नाश्ता में बना सकते हैं सुबह सुबह, और इतना टेस्टी और इतना हेल्दी नाश्ता शायद ही आपको कुछ और लगेगा। तो देखिए दोस्तों हम इसे ढक्कन से ढक दिए हैं और तड़का को डाल दिए हैं। अब हम आपको दिखाते हैं सांभर, 1 से 2 मिनट के लिए ढक दीजिए, उसके बाद इसे जो सारा तड़का का फ्लेवर है सांभर में आ जाता है। और अब लीजिए हम दिखाते हैं आपको अपना सांभर सर्व करके। वाओ, ये इंस्टेंट सांभर है और इतना टेस्टी कि आप बार बार इस तरीके से बनाना पसंद कीजिएगा, और इडली और सांभर के साथ सुबह सुबह अपने फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा। तो किस बात का देरी, आइए इडली भी निकाल लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों हमारा ये इडली का ट्रे भी हल्का सा ठंडा हो चुका है, और मैं सारा लगा लेती हूँ प्लेट में पहले, और देखिए कितना फूला फूला इडली बना है, आपको नजर आ रहा होगा। तो सारा हम इडली अपना ट्रे में लगा लेते हैं प्लेट में, तो बिल्कुल वाइट इडली बना है और बिल्कुल फ्लॉफी स्पॉन्जी में आपको दिखा भी दूंगी। पहले मैं प्लेट का सजावट कर लूं आपको दिखाने के लिए कि कितना सुंदर लगता है ये सुबह सुबह का नाश्ता जब आप बनाते हैं तो कम समय में। ऐसा नहीं है कि आपका टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है, आप इसको बैठा दीजिए इडली को पकने के लिए, और जब तक आप ऑफिस के लिए तैयार होइए या कुछ भी कीजिए आपका इडली 15 मिनट में रेडी हो जाता है। बहुत ही फास्ट नाश्ता है साउथ का और हेल्दी नाश्ता है। तो लीजिए हमारा प्लेट तो बिल्कुल कंप्लीट हो गया है सज के, और ये अब सर्व करने के लिए रेडी है। आप चाहें तो अपने फैमिली के हिसाब से सांभर अलग अलग कटोरियों में ले सकते हैं, मैं यहाँ पे सजा के दिखाई हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों अब आती है बारी की इडली कितना फ्लॉफी है। वाओ, ये देखिए स्पॉन्ज के जैसे ये फ्लॉफी है, एक एक इडली आपको इतना सॉफ्ट मिलेगा कि मैं क्या बताऊं। ये देखिए ऐसे कीजिएगा तो ये रुई के जैसे, देखिए कैसे हो रहा, रुई के जैसे फ्लेक्सिबल है, और इतना अंदर तक इसका खमीर अच्छा से हुआ है
कि आप जब खाइएगा ना सांभर से, बहुत ही मजा आने वाला है। तो हम मिलते हैं दोस्तों नई रेसिपी में, जब तक के लिए खाते रहिए और मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नई रेसिपी में, जब तक के लिए बाय बाय।